हेलो हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आवाज आ रही है आपको मेरी? यस यस सर। सर। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। आई होप कि आप सब मुझे जानते ही हो। पहले भी मैं आपसे आपको मैंने आपका एक लेक्चर कंडक्ट किया था, है ना? यस यस सर। सर। यस यस। तो हर्षित सर आज अवेलेबल नहीं है। हर्षित सर को थोड़ा काम आ चुका है, तो उन्होंने कहा कि मुझे कहा कि आप ले लो लेक्चर। तो फिर मैंने उन्हें कहा कि चलो एक लेक्चर आपका ले लेते हैं, ठीक है ना? तो आज यस की आपकी सर। लेक्चर मैं कंडक्ट करने वाला हूँ। ओके, आपकी नोट एंड पेन ले लीजिएगा। सर ने मुझे कुछ इंटीग्रेशन चैप्टर के क्वेश्चन सेंड किए, तो वो वाले क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने वाले। सर ने मुझे कहा है कि आपको 2-3 मिनट देना है हर एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है? तो रेडी हो जाइए, आपको ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बाद में मैं आपसे डिस्कशन करूंगा सभी क्वेश्चन का एक एक करके। ओके चलिए, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ। क्या आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। यस सर। ओके, तो देखिए, तो क्या आपको स्क्रीन पे ये फर्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए आपको इसे सॉल्व करना है 2 मिनट के अंदर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना? तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ऑप्शन सर इसके ऑप्शन ऑप्शन दिख रहे हैं, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। क्या हुआ? ब्लर क्वेश्चन ब्लर सर आ रहा है। ऑप्शन ऑप्शन स्क्रीन ब्लर आ रही है, 1 मिनट दो। सर अब ठीक है। क्या अभी ठीक से दिखाई दे रहा है आपको? यस ठीक है, चलिए सॉल्व सर। कीजिए तो ये क्वेश्चन को। चलो आंसर आपको चैट में देना है।
चलो जल्दी से सॉल्व करो, कुछ बच्चों ने आंसर दिए। दीक्षांत चौहान, कनक कुसुम, जासमीन कौर, तीनों बच्चों ने आंसर दिया है डी, ऑप्शन डी। चलिए तो सॉल्यूशन देखें क्या? यस। देखो यहाँ पे जो इंटीग्रल आपको गिवन है ना, ये जो इंटीग्रल आपको गिवन है वो है इंटीग्रेशन सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। अभी आपको इसे इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन करते वक्त अगर दो टर्म के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे सेक्स स्क्वायर एक्स एंड कॉस एक्स स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई में, तो ये मल्टीप्लिकेशन हमें यहाँ से हटाना होगा। जब तक ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में है तब तक ये पूरा इंटीग्रल, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है वो इंटीग्रेशन के लिए रेडी नहीं है, ठीक है ना। इंटीग्रेशन में मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के लिए, डिवीजन के लिए कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है। डिफरेंशिएशन में आपके पास एक रूल है, मल्टीप्लिकेशन का रूल है, डिवीजन का रूल है, लेकिन इंटीग्रेशन में रूल नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आपको यहाँ पे कुछ सिंप्लीफाई करना होगा, ट्रिगोनोमेट्री के कुछ कंसेप्ट अप्लाई करने होंगे। तो देखो हम साइन एंड कॉस में कन्वर्ट करते हैं, सेक्स स्क्वायर हो जाएगा वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स एंड कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अभी आप क्या करोगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन में है वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, अभी सोचो क्या कर पाओगे आप। यहाँ पे डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख दो, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। न्यूमरेटर में जो वन है ना, वन की वैल्यूज पुट करो, वन की त्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर वाली, तो वन को आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब आप उसे ये जो डिनोमिनेटर है ना उसे सेपरेट कर दो, यानी कि साइन स्क्वायर के ओपन में ले लो ये कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स एंड सेकेंडली कॉस स्क्वायर के ओपन में ले लो, तो इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, ये जो फर्स्ट टर्म है ना साइन स्क्वायर ओपन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, इसमें से ये जो साइन स्क्वायर है वो कट हो जाएगा, तो यानी वन ओपन कॉस स्क्वायर बचेगा एंड वन ओपन कॉस स्क्वायर होता है सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस, अभी कॉस स्क्वायर ओपन कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, तो ये जो कॉस स्क्वायर एक्स है वो कट हो जाएगा, न्यूमरेटर में वन और यहाँ पे साइन स्क्वायर, वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हो कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या लिख सकते हो, सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स एंड कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स एंड लास्ट में प्लस सी इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट। तो ये आपका आंसर है टेन एक्स माइनस कॉट एक्स, लेकिन कुछ बच्चों ने आंसर दिया था ऑप्शन डी, तो आपने क्या किया, आपने डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दिया सेक्स स्क्वायर एंड कॉस एक्स स्क्वायर एक्स को, है ना। ये आप नहीं कर सकते, ये आप ये सारे रूल्स आपने पढ़े होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम से आपको ये ध्यान रखना है, ये मिस्टेक नहीं होने देनी है। वैसे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, अभी ये जो क्वेश्चन है ना उसे आप सेकेंड और एक मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, कि आप सेकेंड मेथड बता पाओगे, यहाँ से हो पाएगा सेकेंड मेथड। देखो इंटीग्रेशन में सबसे बड़ी दिक्कत होती है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, कुछ भी करके ये मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को हमें रिमूव करना ही होता है। तो देखो यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर दोनों मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे आपको दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दिखाई दे रहे हैं, तो ये जो दो है ना ये दोनों साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर, इन दोनों को आप सिंगल बना सकते हो, दो में से वन में कन्वर्ट कर सकते हो, और उसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला है। कौन सी फॉर्मूला है, चलो सोचो जल्दी, आपको ही बता दें फॉर्मूला। नहीं, इन दोनों को देखो, अभी स्क्वायर मत देखो, साइन एक्स को देखो कॉस एक्स को देखो, तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स किसके बराबर होता है, दो में से कोई एक फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की फॉर्मूला होती है ना, यस ये साइन टू एक्स के बराबर होता है, यानी दो त्रिकोणमितीय फंक्शन मल्टीप्लाई में वो वन में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पे टू होना चाहिए, साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर के आगे टू, एक्चुअली टू का स्क्वायर होना चाहिए यानी फोर, तो आपको सबसे पहले फोर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना होगा, तो ये फोर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, फोर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। ये फोर कॉन्स्टेंट है, फोर को आप बाहर निकाल सकते हो वन ओपन, तो ये क्या हो जाएगा फोर साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, यानी साइन टू एक्स का स्क्वायर, साइन टू एक्स का स्क्वायर, ठीक है। फोर
वन अपॉन साइन स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, वन अपॉन साइन स्क्वायर किसके बराबर है, कॉस एक्स स्क्वायर टू एक्स के बराबर। एंड क्या आपको कॉस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन पता है, कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव कॉस एक्स स्क्वायर होता है, माइनस कॉट एक्स का। तो ये फोर को एज इट इज, कॉस एक्स स्क्वायर टू एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉट टू एक्स। एंड आपने एक रूल सीखा होगा कि एक्स का जो कोएफिशिएंट होता है इंटीग्रेशन करते वक्त, एक्स का जो भी कोएफिशिएंट होता है वो आपको डिनोमिनेटर में लिखना है। एक्स का कोएफिशिएंट है टू, उससे आपको डिनोमिनेटर में लिखना है और प्लस सी, ये टू टू जर फोर, सो आंसर विल बी माइनस टू कॉट टू एक्स प्लस सी। अभी आप यहाँ पे ये सोचोगे कि सर ऑप्शन में तो ये आंसर गिवन नहीं है, लेकिन ऑप्शन में ये आंसर हो सकता था। अगर आंसर में माइनस ट्वाइस कॉट टू एक्स है तो आपको उस तरीके से, मतलब ये वाली मेथड से सिंप्लीफाई करके वहां तक पहुंचना था। यहाँ पे आप ये जो टेन एक्स माइनस कॉट एक्स है ना, उसे साइन कॉस में कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई करके भी ये माइनस टू कॉट टू एक्स आप ला सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर है, पूरा सॉल्यूशन, कोई दिक्कत किसी को भी? नो सर। नो सर। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर टू। चलो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपके सामने है, एक मिनट के अंदर आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, और आप चाहो तो बिना पेन उठाए डायरेक्ट क्वेश्चन देख के भी आंसर बता सकते हो, क्योंकि डायरेक्टली सीधा ही आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई होती दिखाई देनी चाहिए। तो जल्दी से चैट के अंदर आपको आंसर लिखने हैं। ये जो सारे क्वेश्चन है ना वो आपकी डीपीपी के क्वेश्चन है, ठीक है। बी ऑप्शन। कौन सा आंसर आ रहा है? बी सब बी बी ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन डीएक्स अपॉन ये जो फोर है ना, उसे आप लिख सकते हो टू का स्क्वायर, एंड नाइन एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हो थ्री एक्स का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होती दिखाई दे रही है, कौन सी फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रही है, इंटीग्रेशन डीएक्स बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये टू स्क्वायर हमारे लिए ए स्क्वायर है, एंड ये थ्री एक्स हमारे लिए अभी एक्स का स्क्वायर है। तो फॉर्मूला ये आपने पढ़ी होगी, क्या है इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 बाय इनटू टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। यस करेक्ट है। तो चलो ये जो फॉर्मूला है उसे अप्लाई करो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1 बाय ए में ए की वैल्यू है 2, बाद में आता है टेन इनवर्स एक्स बाय ए, एक्स यानी हमारे लिए एक्स यानी 3x और ए की वैल्यू 2। और एक चीज आपको हर एक वक्त ध्यान में रखनी है हर एक क्वेश्चन में कि एक्स का जो भी कोएफिशिएंट है, एक्स का कोएफिशिएंट है 3, वो आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिखना ही है। तो आंसर विल बी 1/6 टेन इनवर्स ऑफ 3x बाय 2 प्लस सी। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी है ना, ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3, देखो यहाँ पे गलती मत करना, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, तो सबसे पहले कुछ सोचो, ये मल्टीप्लीकेशन रिमूव करने के लिए सोचना है आपको, त्रिगोनोमेट्री का कोई सिंप्लीफिकेशन आपको करना है, कोई त्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला अप्लाई करो, कुछ भी करो, मल्टीप्लीकेशन को रिमूव करो, तब ये क्वेश्चन आपके लिए इंटीग्रेशन के लिए रेडी हो जाएगा।
चलो सॉल्व हुआ क्या? बहुत इजी है। चलो शुरुआत में क्या किया आपने? चलो बताओ। कॉस 2x एंड कॉस एक्स मल्टीप्लाई में, तो देखो 11th में एक फॉर्मूला आपने सीखी है, 2cc। कॉस ए प्लस बी। 2cc होता है c प्लस c के बराबर, है ना? तो 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड किया और यहाँ पे 2cc की फॉर्मूला, कॉस 2x प्लस एक्स यानी 3x प्लस कॉस 2x माइनस एक्स विल बी एक्स, देयरफॉर 1/2। कॉस 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन 3x/3 एंड कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। ठीक है, यहाँ पे एक्स का कोफिशियंट 3 है जिस आपको डिनोमिनेटर में लिखना है, सो आंसर यहाँ पे 2 को 1/2 को मल्टीप्लाई कर दो, तो ऑप्शन सी इज द आंसर। एनी डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देख लो क्वेश्चन को अच्छे से एंड ट्राई करो, सॉल्व करो पूरे क्वेश्चन को। बहुत सारे टर्म्स मल्टीप्लाई में है, पूरा मल्टीप्लिकेशन यहाँ से रिमूव करने की आपको कोशिश करनी है। हेलो, वो हो आज इंदिरा। हुआ क्या सॉल्व? जैसे थोड़ा सा बच रहे हैं। ठीक है चलिए देखते हैं। तो देखो यहाँ पे तो आपको पता चल ही जाना चाहिए कि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स किसके बराबर होता है।
साइन एक्स इंटू कॉस एक्स 1/2 साइन 2x के बराबर। अभी देखो आगे देखो, ये हो गया 1/2 साइन 2x और उसके बाद यहाँ पे कॉस 2x, तो साइन 2x इंटू कॉस 2x, ये साइन 2x इंटू कॉस 2x किससे बराबर, तो 1/2 इंटू ये 1/2 एज इट इज एंड साइन 2x इंटू कॉस 2x से 1/2 साइन 4x के बराबर। ठीक है, उसके बाद ये जो साइन 4x है और ये जो कॉस 4x है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ये 1/2 इंटू 1/2 हो जाएगा 1/4, साइन 4x इंटू कॉस 4x, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा साइन 8x बाई 2 के बराबर। समझ आ रहा है ना, तो ये 4 2 16, अभी ये साइन 8x एंड कॉस 8x वो किसके बराबर, 1/2 साइन, एंगल डबल होता है 8x का डबल 16x, तो ये 16 इंटू 2 1/32, अभी ये साइन 16x एंड कॉस 16x वो है 1/2 साइन 32x के बराबर, तो ये लास्ट में आपको मिल रहा है 1/32 का डबल 64 साइन 32x। ठीक है, और आपको इसका इंटीग्रेशन करना है 1/64 साइन 32x का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस 32x/32, ये माइनस की साइन को बाहर निकाल दो एंड 64 इनटू 32 कितना होगा सर, 1024। यस, तो आंसर आ रहा है ऑप्शन बी, है ना। ठीक है, कोई डाउट किसी को? नो सर। नो सर, तो फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखो ये स्क्वायर रूट दिक्कत है, क्वेश्चन में प्रॉब्लम देने वाली चीज है ये स्क्वायर रूट। क्वेश्चन में अगर आपके पास स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट के अंदर कंप्लीट स्क्वायर बनाने की ट्राई करो, ये 1 - sin 2x का कंप्लीट स्क्वायर क्रिएट करने की ट्राई करो, तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। चलो सॉल्व करो, चलो भाई हुआ क्या सॉल्व किसी से? सर डी आएगा, डी कौन सा बी आ रहा है सर, डी आ रहा है। ठीक है चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। अभी ये जो 1 - sin 2x है इसका कंप्लीट स्क्वायर आपको पता है,
वन माइनस साइन टू एक्स वो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर के बराबर होता है, पता है ना ये चीज आपको? यस सर। अभी आप स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर को अगर हटाते हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन में? मॉड्यूलस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अभी मॉड्यूलस जो ये है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव वो आपको सोचना है। उसके लिए यहाँ पे आपको x का इंटरवल गिवन है, x का इंटरवल है 0 से π/4। तो क्या आपको पता है 0 से जो π/4 का इंटरवल है उसमें कॉस की वैल्यू बड़ी होती है या साइन एक्स की वैल्यू 0 से π/4 में? तो आप सोच के देखो, कॉस की वैल्यू 0 पे, एक मिनट हाँ, कॉस की वैल्यू कॉस 0 1 के बराबर होता है, साइन 0 0 के बराबर, यानी कॉस की वैल्यू बड़ी है साइन की वैल्यू छोटी है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे 0 से π/4 वैसे वैसे कॉस की वैल्यू छोटी होती जाएगी साइन की बड़ी, लेकिन 0 से π/4 ये इतना जो पोर्शन है ना उसमें कॉस बड़ा है एंड साइन छोटा है। देयरफॉर ये जो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है वो पॉजिटिव है, एंड पॉजिटिव को आप मॉड्यूलस के बाहर निकालोगे। एक मिनट हाँ, मेरा लैपटॉप थोड़ा हैंग हो रहा है। ओके, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स पॉजिटिव है क्योंकि कॉस एक्स इज ग्रेटर देन साइन एक्स इन दिस इंटरवल, सो ये मॉड्यूलस प्लस के साइन से ओपन होगा। सो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। चलिए कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस, सो योर आंसर इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजी है, चलो आराम से सॉल्व हो जाएगा, एक मिनट के अंदर सॉल्व कर दो। चलो अभी तक तो आंसर आ जाना चाहिए था। सर डी आएगा, आंसर आ रहा है ऑप्शन डी आ रहा है क्या? यस सर, यस इट इज करेक्ट है ना, ये टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स देख के ही पता चल जाता है ये किसके बराबर हो जाएगा, पाई बाई टू के बराबर, और पाई बाई टू हमारे लिए कांस्टेंट है। सो एक्स रेज टू 51 का इंटीग्रेशन, पावर वाला रूल, एक्सपोनेंट में 1 को ऐड करो यानी ये 52 एंड 52 को नीचे, सो आप यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 7,
चलो ये वाला क्वेश्चन भी इजी है। चलो क्या शुरुआत की आपने? हुआ क्या सॉल्व? चलो देखते हैं सॉल्यूशन। एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। देखो दिक्कत देने वाली चीज है ये डिनोमिनेटर, तो एक काम करो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं। आप एज्यूम करो ए प्लस बी एक्स को टी के बराबर मान लो, ठीक है, तो डिनोमिनेटर आपके लिए थोड़ा छोटा हो जाएगा, है ना। सो ए प्लस बी एक्स को आप टी के बराबर मान लो। अब आपको यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड का फर्स्ट स्टेप आपने जो भी एज्यूम किया उसके बाद उसका तुरंत ही डिफ्रेंशिएशन करना होता है। ए का डेरिवेटिव जीरो, बी एक्स का डेरिवेटिव बी इंटू डी एक्स एंड टी का डेरिवेटिव डी टी। हमें चाहिए डी एक्स की वैल्यू, तो ये डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा? 1 अपॉन बी इंटू डी टी के बराबर। एंड यहाँ पे हमें x की भी वैल्यू चाहिए, तो x को सब्जेक्ट बना दो, तो x किसके बराबर? x इक्वल टू टी माइनस ए अपॉन बी के बराबर, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस में, सब्स्टिट्यूशन मेथड में बट क्वेश्चन है वेरिएबल x में, उसे हमें न्यू वेरिएबल में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन i इक्वल टू इंटीग्रेशन x स्क्वायर में x को रिप्लेस करो t माइनस ए अपॉन बी से, t माइनस ए अपॉन बी होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में ये जो a प्लस बी एक्स है ना उसे आपने एज्यूम किया है t, तो ये हो गया t स्क्वायर, इसे लिखते हैं 1 अपॉन t स्क्वायर। अभी ये जो dx है ना वो dx आपके लिए क्या बन चुका है? dx बन चुका है 1 अपॉन बी इंटू डी टी।
सो यहाँ पे बी और ये बी, एक मिनट, ये बी स्क्वायर है, ये स्क्वायर, तो ये बी स्क्वायर और बी, तो ये हो गया बी क्यूब, कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल दो। एंड यहाँ पे टी माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर है, तो टी माइनस ए अपॉन टी का होल स्क्वायर आप लिख सकते हो। ठीक है, अब क्या करोगे आप, वन अपॉन बी क्यूब इंटीग्रेशन, ये टी है ना डिनोमिनेटर टी, उसे सेपरेट कर दो, यानी टी बाई टी ये हो जाएगा वन, एंड यहाँ पे हो जाएगा ए बाई टी का होल स्क्वायर इंटू में डी टी, तो वन अपॉन बी क्यूब, स्क्वायर को एक्सपांड कर दो, तो वन का स्क्वायर वन माइनस ट्वाइस ए बाई टी प्लस ए स्क्वायर बाई टी स्क्वायर इंटू डी टी, वन अपॉन बी क्यूब एज इट इज। इंटीग्रेशन, ओके, अभी क्वेश्चन इंटीग्रेशन के लिए रेडी है, एक मिनट, लैपटॉप मेरा हैंग हो रहा है। ठीक है, वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू टी, ये हो जाएगा वन का इंटीग्रेशन टी माइनस, अरे चल नहीं रहा, एक मिनट, हाँ ठीक है, यहाँ पे टी का इंटीग्रेशन, वन का इंटीग्रेशन टी माइनस, ये ट्वाइस ए कॉन्स्टेंट, वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग मॉड्यूलस टी, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट, देखो यहाँ पे वन अपॉन टी स्क्वायर है, यानी आपको ये जो टी स्क्वायर है उसे न्यूमरेटर में ले जाना है, यानी टी रेस टू माइनस टू, टी रेस टू माइनस टू का क्या होता है इंटीग्रेशन, माइनस टू में वन को ऐड करो तो टी रेस टू माइनस वन अपॉन माइनस वन प्लस सी, सो वन अपॉन बी, एंड आपको यहाँ पे सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, यहाँ पे तो बी क्यूब है, चलिए तो टी की वैल्यू देखो, यहाँ पे टी की वैल्यू आपके पास है, ठीक है, चलिए तो टी की वैल्यू है ए प्लस बी एक्स, माइनस ट्वाइस से लॉग मॉड्यूलस, टी की वैल्यू पुट करो, टी की वैल्यू क्या है भाई, ए प्लस बी एक्स है,
अभी देखो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, ये ए स्क्वायर एंड टी इनवर्स यानी वन अपॉन टी, एंड टी की वैल्यू ए प्लस बी एक्स और ए प्लस सी। तो देख लो कौन सा आंसर हो रहा है। बी। सब एक मिनट, सभी आंसर सेम सेम क्यों? ओके बी या डी। बी एंड डी दोनों एक ही है, ऑप्शन बी एंड डी है ना? नो सर। ओके यहाँ पे ए एक्स है। ओके तो ऑप्शन डी करेक्ट नहीं है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखना पड़ा तभी दिखा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चलो जल्दी से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। चलो हो गया क्या सॉल्व? देखो क्वेश्चन में जो फंक्शन गिवन है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेट है, मतलब डिनोमिनेटर को आपको रिमूव करने के बारे में सोचना है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली कोई ऐसा सिंप्लीफिकेशन है ही नहीं जो ये जो डिनोमिनेटर है ना उसे रिमूव करके दे।
मतलब जब भी कॉम्प्लिकेट फॉर्म में फंक्शन होता है तब आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में सोचना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको ये सोचना है कि आप कंसीडर क्या करोगे। आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? सब ब्लर है। नहीं दिखाई दे रही? ब्लर दिखाई दे रही है क्या? स्क्रीन बहुत ब्लर हो चुकी है क्या स्क्रीन? सर अब ठीक है। ठीक है, शायद अब आपको ठीक से दिखाई दे रही होगी स्क्रीन। चलिए सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको देखो, आप देखो डिनोमिनेटर में एक्स रेस टू 13 प्लस एक्स रेस टू 5 प्लस 1 होल पावर 4। अभी देखो एक्स रेस टू 13 का डेरिवेटिव होता है 13 एक्स रेस टू 12,
एक्स रेज टू फाइव का डेरिवेटिव फाइव एक्स रेज टू फोर। नॉर्मली डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने की और एक प्रोसेस है, पता है क्या? अभी आपको क्या करना है पता है, डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट पावर है वो है एक्स रेज टू 13। तो आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर में जो भी हाईएस्ट पावर है ना उसे कॉमन निकालना है पूरे डिनोमिनेटर से। तो आप एक्स रेज टू 13 को अगर कॉमन निकालते हो तो यहाँ पे एक्स रेज टू 13 की पावर कितनी है, 4, ठीक है। तो एक्स रेज टू 13 की पावर 4 कितनी हो जाएगी, एक्स रेज टू 52। ब्रैकेट में एक्स रेज टू 13 को आपने कॉमन निकाला तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स रेज टू 5 को एक्स रेज टू 13 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा एक्स रेज टू 8 प्लस एंड 1 को डिवाइड करो एक्स रेज टू 13 से। तो आपने क्या किया, एक्स रेज टू 13 को कॉमन निकाला है। स्टेप क्लियर है? यस सर। अब ये जो एक्स रेज टू 52 है ना उसे न्यूमरेटर के दोनों टर्म से डिवाइड कर दो, तो न्यूमरेटर हमारा बन जाएगा 8 एक्स की पावर 43 में से 52 को माइनस करो, माइनस हो जाएगा माइनस 9 प्लस 13 एक्स रेज टू, ये 38 में से 52 को माइनस करो, माइनस कितना 14 अपॉन में 1 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू 8 है उसे लिख सकते हो एक्स रेज टू माइनस 8, ये 1 बाई एक्स रेज टू 13 को आप लिख सकते हो एक्स रेज टू माइनस 13 इंटू dx। अब आप देखो, अब आपके पास जो डिनोमिनेटर है ना उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में दिख रहा है आपको। देखो एक्स रेज टू माइनस 8 का डेरिवेटिव माइनस 8 एक्स रेज टू माइनस 9 एक्स रेज टू माइनस 13 का ये डेरिवेटिव है, तो ये अभी आपके लिए सब्स्टिट्यूशन है t। 1 प्लस एक्स रेज टू माइनस 8 प्लस एक्स रेज टू माइनस 13 को एज्यूम करो t, 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स रेज टू माइनस 8 का डेरिवेटिव माइनस 8 एक्स रेज टू माइनस 9 प्लस एक्स रेज टू माइनस 13 का डेरिवेटिव माइनस 13 एक्स रेज टू माइनस 14 इंटू dx इक्वल टू, ये t हो जाएगा डेरिवेटिव dt। अभी आप यहाँ से माइनस को कॉमन निकाल दो, क्योंकि देखो यहाँ पे जो वैल्यूज है न्यूमरेटर में वो दोनों प्लस में है, तो माइनस को कॉमन निकाल के सामने जाने दो, तो सामने वाला हो जाएगा माइनस dt। देयरफॉर गिवन इंटीग्रेशन इक्वल टू, अभी यह न्यूमरेटर हमारे लिए बन चुका है माइनस dt, डिनोमिनेटर को हमने एज्यूम किया है t, तो t की पावर 4, t की पावर 4 डिनोमिनेटर में उसे न्यूमरेटर में ले जाओ तो वो हो जाएगा t की पावर माइनस 4, माइनस की साइन को बाहर, टी की पावर माइनस 4 का इंटीग्रेशन टी की पावर माइनस 3 अपॉन माइनस 3 प्लस सी, माइनस माइनस प्लस तो ये हो जाएगा प्लस 1 बाई 3 एंड ये टी की पावर माइनस 3 को डिनोमिनेटर में जाने दो तो टी की पावर प्लस 3 एंड टी हमारे लिए क्या है, ये टी की वैल्यू जो हमने एज्यूम किया वो यहाँ पे पुट करनी है, तो 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 8 यानी 1 अपॉन एक्स रेज टू 8, x की पावर माइनस 13 है 1 अपॉन x रेज टू 13। नाउ सिंप्लीफाई, तो LCM, तो ये जो x रेज टू 13 है वो LCM है, x रेज टू 13 का क्यूब x रेज टू 13 है वो न्यूमरेटर में जाएगा, डिनोमिनेटर में 3, यहाँ पे x रेज टू 13 प्लस यहाँ पे कौन से टर्म से मल्टीप्लाई करना होगा, x रेज टू कितना 5 एंड यहाँ पे 1 होल रेज टू 3 प्लस सी। सो आई होप कि लास्ट में ये सिंप्लीफिकेशन आपको समझ आ चुका होगा। यस सर। कौन सा आंसर हमारा हो रहा है, ए बी ए, यस ए। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखो बहुत ही भयानक सा इंटीग्रेशन दिखाई दे रहा है आपको, आपको ये सोचना है कि आप कैसे इंटीग्रेट करोगे इसे।
इंटीग्रेशन के बाद आपको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मिलने वाली है जिसमें आपको टेन पुट करना है। चलिए हुआ क्या सॉल्व आपसे, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे बस आपको सिंप्लीफिकेशन अच्छे से सोचना है। तो आप यहाँ पे तो देख ही पाओगे, यहाँ पे सी प्लस सी की फॉर्मूला अप्लाई होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिक्स कॉस फोर एक्स है ना, तो इसे 6 cos 4x को स्प्लिट करना होगा। ठीक है, तो चलिए ये cos 6x फिर से हैंग हो रहा है लैपटॉप। cos 6x, उसके बाद 6 cos x को 6 cos 4x को स्प्लिट करो, तो ये हो जाएगा cos 4x प्लस 5 cos 4x, फिर ये 15 cos 2x, इसका क्या करें, इसे भी स्प्लिट करना होगा 15 cos 2x को। ठीक है, ये जो 15 cos 2x है इसे भी आपको स्प्लिट करना होगा, तो ये हो जाएगा 15 यानी 5 प्लस 10 यानी 5 cos 2x
प्लस टेन कॉस टू एक्स प्लस टेन होल अपॉन डिनोमिनेटर को एज इट इज ही रहने दो, ठीक है, वो मैं लिखता नहीं हूं, आप समझ जाना डिनोमिनेटर एज इट इज है। तो इंटीग्रेशन यहाँ पे सी प्लस सी की फॉर्मूला, सी प्लस सी किसके बराबर होता है, टू सी सी के, ट्वाइस कॉस सिक्स एक्स प्लस फोर एक्स यानी टेन एक्स एंड उसका आधा करना होता है फाइव एक्स, टू सी सी सिक्स एक्स माइनस फोर एक्स हो जाएगा टू एक्स एंड उसका आधा करना होता है यानी एक्स। अभी यहाँ पे फाइव कॉमन एंड सी प्लस सी की फॉर्मूला टू सी सी, फोर प्लस टू सिक्स उसका आधा थ्री, फोर माइनस टू टू एक्स उसका आधा एक्स। यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे टेन कॉमन निकालो तो ये हो जाएगा कॉस टू एक्स प्लस वन, वन प्लस कॉस टू एक्स के फॉर्मूला वन प्लस कॉस टू एक्स होता है टू कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर, टू कॉस स्क्वायर एक्स। डिनोमिनेटर एज इट इज, ओके। अभी आप यहाँ पे क्या करोगे, देखो ये आप टू देख रहे हो, टू को पूरे न्यूमरेटर में से टू को कॉमन निकालो तो बाकी की टर्म देखो कॉस फाइव एक्स इंटू कॉस एक्स जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी है। फिर यहाँ पे देखो ये फाइव, ये कॉस थ्री एक्स एंड कॉस एक्स जो यहाँ पे, फिर ये टेन और ये कॉस स्क्वायर एक्स ये यहाँ पे। जैसे ही हम टू को कॉमन निकालने वाले वैसे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों सेम हो जाने वाले तो दोनों कट हो जाएंगे और इंटीग्रेशन में बचेगा ओनली वन इंटू डी एक्स। स्टेप क्लियर है ना, टू को कॉमन निकालने पर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इक्वल हो रहे हैं, वन का इंटीग्रेशन एक्स तो एफ ऑफ एक्स किसके बराबर हो जाएगा, टू एक्स के बराबर। तो आपको फाइंड करना था एफ ऑफ टेन, एफ ऑफ टेन यानी ट्वेंटी, ट्वेंटी इज द आंसर। डन है? यस सर। यस सर। ओके, सो आज की आपकी ये क्लास यहाँ पे हम रोकते हैं। आपकी क्लास वन आवर की है आज, ठीक है। तो कल से आपको हर्षित सर ये वाला चैप्टर आगे पढ़ाने वाले हैं। अभी यहाँ पे डीपीपी में और भी कुछ क्वेश्चन आपके सामने है, देख लो। ये सभी क्वेश्चन आपको पीडीएफ में मिल जाने वाले, ठीक है ना, लेक्चर के पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे, तो वहां से आप सॉल्व कर लीजिएगा, ओके। एंड इसके सॉल्यूशन भी आपको हर्षित सर प्रोवाइड कर देंगे। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं। चलिए सभी बच्चों को बाय।